खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, गर्मियों में खाने की बहुत दिक्कत हो जाती है, कुछ खाना अच्छा नहीं लगता और ऑयली तो बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी डिश जो कम तेल में बनेगी और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी बनेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट हांडवा। ये एक गुजराती डिश है पर इसे हम इंस्टेंट बनाएंगे। इसके लिए हमने लिए आधा कप सूजी, सूजी हमने बारीक वाली ली है। आधा कप हम लेंगे बेसन और साथ में हम इसमें आधा कप ही ऐड करेंगे दही। तीनों चीजें एक ही नाप से लेनी है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ये एकदम फटाफट से बन जाने वाला शाम का खाना हो या सुबह का नाश्ता, आप किसी में भी इसको बना के दे सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर दिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो गया है। इसे ना ज्यादा पतला करना है ना ज्यादा थिक रखना है, कुछ इस तरह से इसको रखना है। ये मिक्स हो गया है, अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये हमारी सूजी भी सेट हो गई है फ्रेंड्स। अब हम इसमें यानी कि इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 कटिंग की हुई तीखी वाली हरी मिर्ची, थोड़े से कॉर्न, थोड़ी सी पत्ता गोभी, आधी शिमला मिर्ची, 1 इंच टुकड़ा अदरक का जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है और 1 प्याज। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। ये एकदम हेल्दी और टेस्टी बनके रेडी होगा फ्रेंड्स, एकदम इंस्टेंट है क्योंकि ना वैसे हम दाल वगैरह से बनाते हैं तो इसे बहुत टाइम लगता है, इसे हम फटाफट से बना के खा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच व्हाइट तिल और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसे थोड़ा सा पतला करना है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, पानी थोड़ा सा ऐड करें, ज्यादा नहीं, ये एकदम पतला नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रखनी है। ये रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं गैस की ओर। फ्रेंड्स, ये हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और दूसरे गैस पे हमने पैन रख दिया है क्योंकि ये 2 बनेंगे और इन दोनों को साथ में ही बनाना रहेगा, इसलिए हमने 2 चीज अलग अलग गैस पे रखी है। अब हम इन दोनों में तेल ऐड कर देते हैं। दोनों में हम 2-2 टीस्पून तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम इस बैटर में एक चीज और ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे थोड़ा सा कटिंग किया हुआ यानी कि चॉप किया हुआ लहसुन, क्योंकि हांडवे में लहसुन जरूर डालते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे वन थर्ड चम्मच जितना, आप इन्हों भी ऐड कर सकते हो, हमने इसमें सोडा बाई कार्ब ऐड किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे हमारा बैटर एकदम फ्लफी हो जाएगा और हम जो हांडवा बना रहे हैं वो बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। फ्रेंड्स, हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे राई। राई को चटकने देते हैं। दोनों साइड हमने
साथ ही इसलिए ऐड किया है, यानी कि दोनों कढ़ाई और पैन इसलिए रखे हैं कि सोडा बाइकार्ब ऐड करने के बाद हमें यह हाथ बनाना जरूरी हो जाता है। इसलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सफेद तिल, ये भी हम दोनों में ही ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव, जो कि इसकी खासियत होती है। इसमें भी करी लीव ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें दोनों में थोड़ी थोड़ी हींग भी ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे हांडवा का सवाद एकदम उठ के आए। और अब हम इसमें जो हमने बैटर बनाया था उसे ऐड कर देते हैं। आधा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और आधा बैटर हम उसमें ऐड करेंगे। और दोनों को ढक के सिम गैस पे पकने देंगे। ये 10 से 15 मिनट में पक के रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से सिक गया है। जो हमने पीछे रखा था गैस पे, हमने इसको बाजू वाले गैस में शिफ्ट कर दिया है। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये नीचे से सिक गया है। अब हम इसे पलट देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। गैस को सिम पे ही रखना है। हम दूसरे वाले को भी पलट देते हैं। फ्रेंड्स, हमने दूसरे को भी पलट दिया है कुछ इस तरह से। अभी दोनों साइड से इनको सिम गैस पे पकाना है। जब ये दोनों पक जाएंगे फिर हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बन गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। गैस को करते हैं बंद और हम नाश्ते को निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा नाश्ता बनके रेडी हुआ है। दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों को दोनों पेन के नाश्ते निकल के रेडी। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम गर्मा गर्म इंस्टेंट हांडवा बनके रेडी। एकदम फटाफट से बन जाने वाला और एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, बिल्कुल कम तेल में बना हुआ। इसे हम कट करके दिखा दिया आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम टेस्टी सा नाश्ता बनके रेडी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और ये गरम गरम हांडवा खा के कमेंट जरूर करें कैसा बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।